जिला बलिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बलिया जिला के एक ऐसे पावन और पवित्र स्थान पर जिसकी सावन के महीने में एक अलग ही मान्यता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा बालेश्वरनाथ की। उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन से आप अपनी गाड़ी से या ई रिक्शा से मात्र 10 मिनट में बाबा बालेश्वरनाथ के मंदिर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। यह बलिया स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसका लास्ट है। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप बाहर निकलेंगे, यहाँ से मात्र 500 मीटर यहाँ से निकलेंगे, माल गोदाम बोला जाता है। यहाँ से जैसे ही निकलेंगे 500 मीटर की दूरी पे बाबा बालेश्वर का मंदिर। सावन में सोमवार के दिन बाबा बालेश्वरनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन लगती है। ऐसी मान्यता है कि जो सावन में सोमवार के दिन बाबा बालेश्वरनाथ के मंदिर में आके उनके ऊपर जल ढारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि दूर दूर से शिव भक्त लोग आते हैं और सुबह के 2 और 3 बजे से ही जल ढारना स्टार्ट कर देते हैं, और जो लेट आते हैं वह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद ही इन शिव भक्तों को जल चढ़ाने का अवसर प्रदान होता है। बाबा बालेश्वरनाथ के मंदिर को सैकड़ों वर्ष पहले दियरा क्षेत्र के राजा बलि ने स्थापित किया था। उन्होंने श्री वाल्मीकि से बालू का शिवलिंग बनवाकर विधि विधान से स्थापित कराया था। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो शिवलिंग पत्थर का हो गया। यह पहला मंदिर नदी में विलीन हो गया, लेकिन लोगों ने शिवलिंग को निकाल लिया। दूसरी बार शहर बसा तो इसे अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने एक हिंदू ब्राह्मण अधिकारी से स्थापित करवाया। फिर बाढ़ आई तो मंदिर के नष्ट होने की संभावना देख उस समय के पुजारी शिवदेनी भारती व अन्य लोगों ने इसे बैलगाड़ी पर रख वर्तमान बलिया नगर ले आए और इसे स्थापित किया, जो आज बाबा बालेश्वर मंदिर के रूप में विख्यात है। अगर आप भी हिंदू धर्म से हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और आप लोगों में से कौन कौन इस मंदिर पर जा चुके हैं, बाबा बालेश्वर को जानते हैं, कमेंट में लिख के हमें भी ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।